नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में बदमाशों के हौसले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी कड़ी में इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू सहित पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर का है। चित्रकूट नगर में रहने वाले दो परिवारों में एक पक्ष की लड़की को छेड़ने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आ गए और एक दूसरे पर पत्थर और चाकू से हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर चाकू और पत्थरों से हमला करते हुए और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया था, उसमें एक व्यक्ति को चोट है, बाकी सब लोगों को थोड़ी चोटें हैं। पत्थरबाजी भी हुई थी इनमें, आपस में मारपीट हुई थी। तो इसमें 324 के तहत क्रॉस केस रजिस्टर्ड दोनों पक्षों के खिलाफ कर दिया गया है। एक तरफ से 10-12 आरोपी है और दूसरी तरफ से 4-5 आरोपी हैं। फिलहाल इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो नोटिस देकर उनकी कार्रवाई कर ली गई है, बाकी ये लोगों की तलाश की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।